सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, क्या कारण है? मेरा नाम निजामुद्दीन है। थोड़ी गांव के बहुत सारी परेशानी के, जैसे कि तालाब है हमारे यहाँ का, वहाँ पूजा वगैरह होती है, जैसे फूल चढ़ते हैं वो फूल नहीं गिरने देते, वहाँ पे किसी को नहाने धोने नहीं देते, जबकि तालाब में उसका मछली पालन है, बाकी और भी बहुत सारे काम है वो नहीं करते। अब औरतें नहाती है तो वहाँ जाके वो नंगा भी नहाता है, और कोई अगर उससे ये कहे कि नहीं आप ऐसा ना करो तो लड़ने को तैयार हो जाता, मारने को तैयार, दो तीन जनों के हाथ पैर भी फट गए उसमें, मारा है वो चोट भी दिखा सकते हैं हम आपको। और ज्यादा कुछ बोलो, जैसे गांव वाले इकट्ठे करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जान से मार देंगे, चाहे जमीन बेचने पड़े, 25 बीघे जमीन है तो चाहे जमीन बेचने पर जान से मार देंगे। आप बताओ क्या करें इस चीज़ के लिए, निवारण चाहते हैं इस चीज़ का, हमारा समाधान हो। ग्राम समाज का तालाब है, मछली पालन उसका एक कारोबार है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी वजह से पूरे गाँव को बहुत सारी समस्या है। हम तो ये कहते हैं प्रशासन वाले, न्यूज़ वाले जो भी हो गाँव में जाए, इस चीज़ की तहकीक करें कि दो तीन आदमी एक तरफ है, पूरा गाँव एक तरफ है, उसके बावजूद भी हमारा निवारण नहीं हो पा रहा है। किसके नाम पट्टा हुआ है? रज्जू नाम है उसका। वही गाली गलौज करता है? नहीं, जो उसके साथ और चौकीदारी पर रखे हुए हैं, साझेदारी वगैरह में हैं, वो लोग रखवाली करते हैं, वो लोग बदतमीजी करते हैं। वो लोग कहाँ गए? वो लोग करगवा गई है, वृंदावन नाम है, एक का नाम खेमराज है, एक का नाम श्याम सुंदर है, तीनों बाबड़े इतनी दबंगाई से आते हैं। कल रात को भी उन्होंने इतनी ज्यादा मारपीट की, एक के पैर में चोट है, एक के हाथ में चोट है, हाथ फटा हुआ है उसका। और कोतवाली गए थे जी, क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि एक कॉपी बना के SDM साहब को देंगे, उसके बाद सुनवाई आगे की कार्यवाही की जाएगी। दे चुके हो? अभी ये नहीं बता, वहाँ दे के आ चुके हम कोतवाली में, यहाँ भी दे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।